हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है स्विमिंग बाय मनी, दूसरा है टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज की जो वीडियो है वो है जो मैंने स्प्राउट्स दिखाए थे उसकी पूरी रेसिपी ए टू जेड, उसमें क्या क्या डाल सकते हो और क्या क्या नहीं डाल सकते वो तो मैं नहीं बताऊंगा। खैर, सब कुछ डाल सकते हो स्प्राउट में। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल चने भिगोते हुए वो मैं फॉर्मल में निकालूंगा, ठीक है। उसके बाद हम सारी रेसिपी बताऊंगा कि क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, साथ के साथ मैं सारी बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। इसमें आपको एक चीज़ पहले बता दूँ कि ये जो है ये वेज में आती है, और इसमें अगर आप नॉन वेज इंक्लूड करना चाहो तो वो भी हो सकता है। जैसे बॉइल्ड चिकन आपने इंक्लूड करना है तो वो ईजिली हो सकता है, ये नहीं कि नहीं होता, वो भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल हम वेज में बताते हैं। तो अगर आपने वेट लूज़ करना है तो आप इसमें सिर्फ एक पनीर ऐड मत करना, अदरवाइज़ आप सारा कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और ये प्लेयर्स के लिए, ओवरऑल सभी प्लेयर्स के लिए। तो चलो स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये आपने रात को, मतलब कि जब आपके टाइम लगे तब भिगो लो। कोशिश करो जितना टाइम में ये भिगोए रहेंगे उतना बेनिफिट रहेगा। जी, मैं दोपहर को 12 बजे भिगो रहा था। इस डाइट में बहुत प्रोटीन होती है, अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती है, क्योंकि सोयाबीन की जो दाल होती है वो हम डालते हैं, उसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होती है। चनों में भी आयरन भी होती है और प्रोटीन भी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। हरी दाल भी अच्छी होती है, कुछ हमने कच्ची सब्जियां भी डाली हैं। वीडियो एंड तक देखे आपको अच्छी लगेगी। चने आपने देखे, मैंने कल रात को भिगोए, दोपहर में भिगोए थे, जो आपको पता चल गया होगा। ये दाल है, ठीक है, ये चने, ठीक है, ये क्या कहते हैं इसको, सोया दाल, ठीक है ना, सोया दाल, इसको कुछ और कहते हैं, मुझे इसका नाम नहीं याद आता, ठीक है। इसको आपने ना ऐसे करके देख लेना, अगर ये पूरी पक गई हो, कई बोले क्या होता है कि ये नहीं होती, तो आप इसको उबाल भी सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम क्या करेंगे, ये बच्चों ने खाने हैं तो चने ये हैवी हो जाएंगे, वो पचा नहीं पाएंगे, तो हम इसको अवॉइड कर लेंगे। स्वीट कॉर्न है, पनीर है, ब्रोकली है, ब्रोकली इंक्लूड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, वो तो मैटर है, मौसम के हिसाब से रहता है, ठीक है। ये ताज़ी ब्रोकली है, ठीक है। उसके बाद सेब है, अमरूद है, ये धनिया है, धनिया फ्लेवर बहुत अच्छा देता है। प्याज मैं इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ये प्याज अच्छे नहीं लगते, ठीक है। नींबू है, नींबू आप डालना ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगता है। टमाटर, ठीक है, इनमें से सारा कुछ हम ऐड करेंगे। मैं ये जो नमक डालूंगा, ये जो आप देख सकते हो ब्लैक सैलड होता है, ये पहाड़ी वाला, ये शुद्ध नमक होता है, सही मैंने ये शुद्ध होता है, मैं थोड़ा ये डालूंगा और थोड़ा पिंक सैलड डालूंगा, पिंक नमक डालूंगा, ठीक है। तो ये मैंने किसी और डब्बी में डाला हुआ है, थोड़ा पिंक पिंक होता है, ये भी ब्लैक, दोनों ब्लैक नमक है, ठीक है। उसके बाद पाइनएप्पल है, ठीक है, पाइनएप्पल डालना नहीं डालना ये ज़रूरी नहीं है, फ्रूट डालना जरूरी है। मतलब कि अभी मैं 3 फ्रूट इंक्लूड कर रहा हूँ, जैसे कि ये कर रहा हूँ एप्पल कर रहा हूँ, और अमरूद कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, चौथा अनार, ठीक है। तो ये चाट मसाला है, और ये काली मिर्च है। काली मिर्च आप कम डालना, ज़्यादा डालोगे थोड़ी कौड़ी लग जाएगी, पर ये मतलब कि जो पैकिंग वाली है ये हमारे घर की है, तो मैं थोड़ी यही डालूंगा, वो नहीं डालूंगा। ये आपको दिखाने के लिए रखी हुई है कि काली मिर्च हमारे पास ये भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सारा कुछ कर लेना है आपने, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये
अभी उंकरी नहीं है पर ये खाने के लायक है क्योंकि मैंने इसको पहले ही चेक कर लिया है, पर ये उंकर जाएगी अगर 2 दिन आप इसको रखोगे। उंकरी हुई दाल खाने ये थोड़ी मुश्किल रहती है, ऐसे तो फिर भी खाई जाती है, ये उंकर जाती है आप इसको ज़्यादा क्वान्टिटी में बढ़ाओगे। ठीक है, तो ये हमने इसमें डाल दिया, ठीक है, अमरूद हमने डाल दिया, इसमें सारा कुछ डाल दिया। अब क्या करना है, इसको मिक्स कर देना। मिक्स आप कैसे भी कर सकते हो, जो आपके हाथ में। अभी हमने स्वीट कॉर्न और चने भी डाल दिए, हो गया उबल चुके हैं, ठीक है, कच्चे हो चुके हैं। मैं इसको इसमें डाल लूँगा और इसमें इसको ठंडा कर लेना एकदम ने आपने, अगर गर्म हुआ तो आपका वो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, इसको इसको हम साफ़ कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमने अभी उबालना है स्वीट कॉर्न। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और इसको हम ठंडे कर लेते हैं ऐसे आराम से। ठंडा पानी है तो बहुत जल्दी ये ठंडे हो जाएंगे, ठीक है, कोई इतना है नहीं, ये ठंडे हो चुके हैं और ये आप देख सकते हो अब ये ऐसे मतलब कि हो रहे हैं, ये ओके हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे चने ठंडे, एकदम ठंडे पानी क्योंकि ठंड है। तो चलो अब आगे बताते हैं क्या करना है। तो फ्रेंड्स ये चने मैं ऐसे इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, ठीक है, जो ओवरऑल सारे चने कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 जनों ने खाने हैं और चने हेल्दी होते हैं। ये चने ज़्यादा हो रहे हैं तो मैं इसमें थोड़े से रख लूँगा कटोरी में अलग से, क्योंकि ये चने थोड़े बहुत ज़्यादा हो गए इसमें, तो इसमें मैं थोड़े अलग कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये जो पानी लिया है इसमें हमने स्वीट कॉर्न डाल देने हैं, ये वाले स्वीट कॉर्न बर्फ़ बने हैं। ठीक है, ये बर्फ़ वाले हमने डाल दिए इसमें, स्वीट कॉर्न मैं कम डाल रहा हूँ इसमें, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो अपने हिसाब से। तो हम इसको गैस पे रखेंगे, ठीक है, तो हम इसको गैस पे रख देते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए होने दो, इतने में ब्रोकलिन हो रही है, ये चेक कर सकते हो, ब्रोकली हो रही है। ठीक है, ब्रोकली हो चुकी है या नहीं हो चुकी वैसे ये यहीं से पता लग जाएगा। वैसे ओवरऑल हम आप कच्चे भी खा सकते हो, पर हमने इसको इसलिए वाला है ताकि जो इसमें जो जम्स है वो इसके निकल जाए। ठीक है, ब्रोकलिन को आपने एक चीज़ काम करनी है, ब्रोकली को एक आपने काम करना है कि ब्रोकली को जब आपने इसमें डालना है जब ठंडे पानी से करना है तो सारी की सारी ब्रोकली आपने डालने के बाद आपने थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, ठंडे करने के बाद, क्योंकि इसमें ब्रोकली में पानी रहता है। ठीक है, ये सारी निकालना, वो कर्द से निकाल ले, तो आप ब्रोकलिन ये आपने सारी क्लीन कर लेनी है। कोई भी ब्रोकली बहुत महंगी आती है, ये हमने जब मैं स्टार्टिंग में था तो मैंने ये काफ़ी महंगी भी खाई है। वैसे ये फ्रोजन ब्रोकली ना लेना, अगर सीजन है तो ही लेना, अदरवाइज मत लेना। ठीक है, अब हम इसमें पानी चला देते हैं, पानी चल जा, थोड़ा दिक्कत हो रही है तो ये पानी चला के हम इसको ठंडी कर लेंगे। सेम प्रोसीजर रहेगा, क्योंकि ये मैंने इसलिए नहीं उबाली कि ये हमें कच्ची करके खानी है, ये मैंने इसलिए उबाली है जो कि इसमें स्प्रेज हुई होती है वो हमने ख़त्म करनी है। तो ये ओवरऑल हमने सारी धो ली है, ठीक है, ठंडी कर ली है, ये ठंडी हो चुकी है। ठीक है, अब हमने इसको स्प्राउट्स में नहीं डालना, अब हमने इसको ऐसे में डाल के इसी में पड़े रहने देना है, तो जब सारा तैयार हो जाएगा तब डालेंगे, तब तक इसका सारा पानी निचड़ जाएगा। ठीक है, अभी जो जो चीज़ें हमने इसमें डाली वो आप देख सकते हो, हरी दाल डाल दी, सारा कुछ डाल दिया और हमने पनीर भी इसमें इंक्लूड कर दिया। अब हमने इसको हला लेना है, मिक्स कर लेना है ताकि उसमें दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स अब हम इसको हला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये देखो, ठीक है, इसमें एक चीज़ बता दूँ कि जो आपने धनिया डालना है वो लास्ट, सबसे लास्ट में धनिया इंक्लूड होना है इसमें। ठीक है, जब सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी तो ये ओवरऑल जो स्प्राउट्स ये देख सकते हो तैयार हो रहे हैं। इसमें दाल इंक्लूड थोड़ी और कर दूँ, मुझे दाल कम लग रही है, दाल इंक्लूड कर देता हूँ मैं। ठीक है, दाल इंक्लूड, ठीक है, ये हमने दाल इंक्लूड कर दी। अब हम करेंगे इसमें मशरूम इंक्लूड। ठीक है, अब दाल ये देखो स्प्राउट कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स ब्रोकली ओवरऑल सारी निचड़ चुकी है, ये ब्रोकली हमने इसमें डाल दी, इंक्लूड कर दी है। अब हमने ब्रोकली कर दी इंक्लूड, अब स्वीट कॉर्न हो चुके हैं, इसको हमने ठंडा कर लेना है। तो ठंडा करने के लिए क्या करना है, देखो इसको हमने इसको सेम प्रोसीजर करना है, इसमें डाल लिए। सो स्वीट कॉर्न अगर आप स्टीम करते हो सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, ये हमने ठंडे कर लिए। ठीक है, स्वीट कॉर्न पानी तुरंत की तुरंत मतलब कि जो इनका इनविलेड पानी होता है, जो टेस्ट होता है वो रहता है। ठीक है, इसको अच्छे से हमने जाड़ लेना है, ठंडा कर लेना है। तो अब हम करेंगे स्वीट कॉर्न इंक्लूड। तो ये हमने स्वीट कॉर्न में इंक्लूड कर दिए। स्वीट कॉर्न आप ज़्यादा देर रखो ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये अब होगी हमारी, ये हम खाएंगे, 3 से 4 जने खाएंगे, जिसमें मैं हूँ, चिंटू है, दिया है और सोनू है। ठीक है ना, मतलब कि ये 4-5 जने खाएंगे, एक जना नहीं खाएगा। ये हमारा स्प्राउट तैयार हो चुका है, ये बहुत हेल्दी डाइट है प्लेयर्स के लिए। ये अगर आप एक बार तैयार कर ले तो, जैसे दिन में एक बार तैयार कर ले, आप सुबह भी खा सकते हो, दोपहर में भी खा सकते हो। ठीक है ना, तो ये काफ़ी बढ़िया है। आपको इसकी क्वांटिटी कम कर लेनी है, जैसे पनीर है, पनीर हम इसमें थोड़ा और भी डाल सकते हैं पर नहीं डालना। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है। ठीक है, स्प्राउट्स, ठीक है, इसमें हमने ओवरऑल सारा कुछ इंक्लूड कर दिया है। अब हमने इसमें डालने हैं मसाले। ठीक है, मसाले के लिए सबसे पहले मैं ब्लैक पेपर डाल रहा हूँ इसमें, ब्लैक पेपर, सॉरी बोल दिया, ब्लैक काला नमक,
ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, ये काला नमक, ठीक है, पहाड़ी काला नमक होता है ये, ठीक है। इसको चम्मच को हटा देता हूँ, ये बाद में हिलाएंगे, इसमें इंक्लूड करने के लिए ये मैंने बल्कि टेस्ट करने के लिए ये आप चेक कर सकते हो, हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालूंगा ये, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है, पर इसका टेस्ट थोड़ा अजीब सा होता है, कईयों को अच्छा लगता है, कईयों को बुरा लगता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये हमने डाल दिया इसमें काला नमक, ठीक है। अब हम डालेंगे पिंक साल्ट, ठीक है, पिंक साल्ट तो डालेंगे, ये थोड़ा इक्वल ही डालना, ज़्यादा मत डाल देना आपने, ये पिंक साल्ट है, ये चेक कर सकते हो। इसको हम स्पून से लेंगे और इसको हाथ से डालेंगे, क्योंकि इसकी डेलियाँ हैं वो तोड़नी भी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो हमने पिंक साल्ट डाला है, एकदम इसकी डेलियाँ अच्छे से तोड़ देनी है, अगर आप डेलियाँ अच्छे से नहीं तोड़ोगे तो एकदम मुँह में आ जाएगा ये नमक, ठीक है, ठीक है। ये हमने डाल दिया नमक, ठीक है। ओवरऑल नमक आपने अपने टेस्ट अनुसार ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। ये नमक डल गया, आप और नहीं डालना नमक, नमक जब पूरा इंक्लूड करने के बाद इनको हला देना है, साथ के साथ नमक को हला देना, ठीक है, ताकि जो सारी जगह ये चला जाए, ठीक है। अभी जो ब्लैक साल्ट है मैंने थोड़ा सा कम डाला है, इसमें थोड़ा सा और डालूंगा, ठीक है, जो पहाड़ी वो है, मुझे तो अच्छा लगता है, बाकी आपका मुझे पता नहीं आपको कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये स्प्राउट्स की रेसिपी आपको पूरी समझ में आ गई होगी, ये हम इसमें हमने अभी नमक डाला है, नमक आप सबसे लास्ट में ही डाला, मैं आपको सलाह दे दूं, क्योंकि जैसे ही आप नमक डालोगे, जितना आपने खाना है, जैसे आपने ये मिक्स करके आप इसको कच्चा बिना नमक डाले हुए, बिना मसाले डाले हुए आप अलग अलग रख दोगे, तो क्या होगा मैं आपको बता दूं कि ये नमक पानी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आपने नमक डाला तो ओवरऑल सारी चीज़ें पानी छोड़ने लग जाती है, ठीक है। इसमें मैंने टमाटर सारा कुछ डाला, जो भी डाला आपको दिखाई दिया है, ठीक है, अभी मैं भूल चुका हूँ, और ओवरऑल ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो चुकी है। अब हम डालेंगे इसमें चाट मसाला, चाट मसाला आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना कि ज़्यादा डले ना, डाल के थोड़ा सा फिर इसको हिला देना है आपने, ठीक है, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के आपने हिला के इसको वापस फिर थोड़ा डालना, एक ही जगह आप सारा मत डालना, बल्कि मेरा ये ऐसे ही रहता है कि कई बार क्या होता है, ये थोड़ा पानी वाली चीज़ें आ जाती हैं, तो इसमें थोड़ा आप हिला हिला के इसको अच्छे से कर देना। तो फ्रेंड्स ये चाट मसाला हमने कर दिया इसमें इंक्लूड ओवरऑल, ठीक है। अब लास्ट की चीज़ रहेगी है, वो रहेगी है अपना ब्लैक पेपर, ठीक है। ये मैं नहीं डालूंगा क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये पैकिंग में होता है, इसके सारी डिटेल्स इन्होंने जहाँ दी होती है, पर ये नहीं अच्छा लगता मुझे, हैम जो घर में बना हुआ है ब्लैक पेपर ये अच्छा लगता है, ठीक है, बल्कि काली मिर्च जिसको कहते हैं, ठीक है, इसको हम डालेंगे, इसको मैं छुरी से निकाल रहा हूँ, ठीक है, और इसको डालने का थोड़ा थोड़ा मुझे थोड़ा बुरा तरीका लगता है कि ये हमने ब्लैक नमक डाल दिया इसमें, ठीक है, ये काली मिर्च हमने डाल दी है, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं डालनी, जो मतलब बड़ी गले को लगती है, इसका बेनिफिट है इसलिए मैं ये डाल रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज आप ये कम ही डालना, ठीक है, मुझे ये अच्छी नहीं लगती, काली मिर्च नहीं मुझे अच्छी लगती, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा स्प्राउट्स तैयार हो चुका है, बस इसमें दो चीज़ें हमने इन्वेलेड करनी है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ, एक नींबू और एक धनिया, धनिया सबसे लास्ट में करना है, धनिया फ्लेवर सबसे बेस्ट देता है, अगर आप धनिया का फ्लेवर इंक्लूड कर लोगे तो बहुत ऑसम लगेगा, ठीक है। ये हमने इंक्लूड कर दिया, अब हम इसमें नींबू इंक्लूड करेंगे, ठीक है, आपको पता मेरे चाकू में हल्का सा भी लग जाए तो ये नींबू बस इतना ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसमें नींबू डाल देते हैं, ये नींबू हमने डाल दिया इसमें, तो ये इतना इतने ज़्यादा में मैंने इतना डाला, तो आप तो सिर्फ चार के बूंदे ही डालना, ज़्यादा मत डालना, ठीक है, तो ज़्यादा डालोगे ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। अभी हमने इसमें पाइनएप्पल इंक्लूड करना भूल गए, पाइनएप्पल अभी इंक्लूड कर देते हैं, पाइनएप्पल रह गया हमारा। तो फ्रेंड्स पाइनएप्पल मैं ऐसे डाल रहा हूँ, ठीक है, पाइनएप्पल आप घर में काट लेना, वैसे बाहर से ले आना आपकी मर्जी है, ठीक है। पाइनएप्पल का बीच वाला हिस्सा नहीं डालूंगा, वो थोड़ा जीभ को खुजली करने लग जाता है, ज़्यादा मत डालना आप पाइनएप्पल, क्योंकि खुजली करने लग जाता है, ठीक है। इसको डाल दिया हमने पाइनएप्पल को, पाइनएप्पल सबसे लास्ट में नहीं स्टार्टिंग में ही ऐड करना होता है, ये थोड़ा अलग पड़ा था तो इसलिए इसमें ध्यान नहीं गया थोड़ा, ठीक है। ये आप देख सकते हो हमने कर लिया पाइनएप्पल इंक्लूड, पाइनएप्पल अच्छा टेस्ट देता है और विटामिन सी पाइनएप्पल में काफ़ी मात्रा में होता है, ठीक है। बीच वाली चीज़ ये खाते हैं तो खुजली होती है, उनकी जीभ पे खाज होने लग जाती है, आपके भी होती है क्या पाइनएप्पल खा के, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम डाले पाइनएप्पल, पाइनएप्पल हमने बीच वाले पार्ट नहीं डाले, इसे साइड साइड वाले पार्ट डाले हैं, और ये मैं इससे इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी खुंडी है, जब ऐसे हाथ में लग जाती है तो दिक्कत नहीं होती, अगर मैंने अपना डाल चाकू यूज़ किया वो तो चीर देगा मेरा हाथ इतने में, दिखाऊँ ये देखिए जैसे ये देखो एग्जाम्पल, उसके लिए मुझे ये नहीं जरूरत, उसके लिए मैं ऐसे करूँगा खचक खचक, ठीक है ना, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कट कट कट
कट, अगर ये मेरे हाथ पे लग गया तो समझ लो ये अलग गया, कटने के बाद ही पता चल गया। तो पाइनएप्पल हमने इंक्लूड कर लिया, तो पाइनएप्पल मैं और इंक्लूड नहीं करूँगा, मैं इतना ही करूँगा, वैसे इसमें पड़ा भी हुआ है पाइनएप्पल, तो हमने इंक्लूड नहीं करना, हमें बस इतना सा पाइनएप्पल इंक्लूड करना था। तो ये हो गया पाइनएप्पल इंक्लूड। तो लास्ट में रह गया हमारा धनिया, ठीक है, ये इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, टेस्ट के हिसाब से। टेस्ट इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका एक अलग ही टेस्ट आता है, ये हम अभी इंक्लूड कर रहा हूँ, ये मैं पहले भी काट के रख सकता था, तो वो बोलिए ना फीलिंग नहीं आती, इसको मैं पहले भी काट सकता था। और वो काटने के बाद ये हो गया हमारा कंप्लीट सप्राउट्स, ठीक है, कई सप्राउट में नहीं डालते पर मुझे अच्छा लगता है, ये मैं अपने हिसाब से डालता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और चिंटू को भी अच्छा लगता है। अभी चिंटू ने ये फ़ोन पकड़ा हुआ है, कैमरा वीडियो पता नहीं कैसी कैसी आई होगी, ठीक है, तो ये हमने डाल दिया इसमें धनिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बन गए हमारे सप्राउट्स। तो फ्रेंड्स ये ओवरऑल अब तैयार हो चुके हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं इसका टेस्ट कर लेता हूँ कि इसमें कोई चीज़ कम तो नहीं है, ठीक है, वैसे तो कम होएगी नहीं क्योंकि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, ठीक है, कुकिंग में मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने 5 साल नॉन स्टॉप काम किया है जिसमें पास्ता सैंडविच ये नॉन बल्कि फास्ट फूड सारा आता है। तो हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा डाल लेंगे ऐसे, ठीक है, और इसको स्पून से करेंगे चेक, ठीक है, मेरा फेस दिखाओ। तो फ्रेंड्स मैं इसमें चेक करूँगा कि क्या क्या इसमें ज़्यादा है क्या कम है। देखो अगर मैं बोलता हूँ तो आपको झूठ लग गया, वैसे ये जहर बना हुआ है इसमें, अभी जो मुझे कॉर्न का स्वीट कॉर्न का सबका ओवरऑल टेस्ट आ रहा है ना बहुत अच्छा आ रहा है। वीडियो एंड करते हैं, तो चलो वीडियो एंड करें। तो फ्रेंड्स ये सप्राउट मेरे तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स सप्राउट रेसिपी ये मैं तुमने ले रहा था, ये सप्राउट रेसिपी आपने ओवरऑल देख ली, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, ये आप देख सकते हो काफ़ी हेल्दी है ये, ठीक है, एक बार में आप 200 केजी खा सकते हो, ग्राम खा सकते हो, ग्राम केजी तो ज़्यादा हो गया, तो आप खा सकते हो। और उसके बाद अगर आपकी कम मतलब कि ये मैंने जो चने उबाल के डाले हैं, अगर आप बड़े हो आज जिम करते हो तो आपको उबाल के डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कच्चे भी खा सकते हो और पचा भी सकते हो। जो छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं पचा पाते, जल्दी नहीं पच पाता क्योंकि ये इसमें काफ़ी कुछ है हेल्दी, तो इसलिए चने वाले हैं ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए और दिक्कत ना ले पचने में, ठीक है, अदरवाइज चने कच्चे खाने ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, रेसिपी लंबी होगी उसके लिए सॉरी, मैं चाहता था घर में आपको एकदम अच्छे से बता के बता दूँ, वैसे अगर मैंने शॉर्टकट तरीके में बता रहा हूँ तो आपको बताता ब्लैक साल्ट ये वो, ठीक है ना, तो आपको बनाने में पूरी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिस हिसाब से मैंने वीडियो बनाई है आप ऐसे ही खच मचाते आप कर सकते हो घर में, तो बहुत आसान है मेरे हिसाब से। आप बाहर का फास्ट फूड खाने में मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने बाहर से सप्राउट खाने भी है ना तो एक बढ़िया जगह से खाना, ठीक है, सप्राउट वैसे बाहर पता नहीं कैसे सब्जियां मतलब कि दाल वो कैसे यूज़ करते हैं, वैसे ओवरऑल जो ब्रोकलिंग तो वो यूज़ करते नहीं, जो मैंने अभी जो चीज़ बनाई है ये अगर इसका प्राइस देखा जाए तो इसका प्राइस आपको 110 रुपये या 120 रुपये मिलेगा, जिसमें वो 180 ग्राम के आसपास देंगे, ठीक है, तो घर में बनाना ज़्यादा बेनिफिट रह जाता है। अगर आपने रोज़ रोज़ खाना है तो एक बार सामान सारा ले आओ, उसके बाद जो मैं स्वीट कॉर्न का पैकेट ले आया है वो 80 रुपये का आया है और वो मेरा काफ़ी टाइम चल जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो। इसी तरह आपको मैं वेज नॉन वेज सारी हेल्थ मतलब कि हेल्दी के लिए कौन सी प्रोटीन खानी चाहिए कौन सी मतलब कि नहीं तो क्या बतानी है, नहीं तो ओवरऑल सारी खाने के लिए होती है, फास्ट फूड नहीं खाना, बस महीने में एक बार प्लेयर पिज़्ज़ा खा सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़, ठीक है, उसमें पिज़्ज़े में जो चीज़ डलती है ना मुजरेला चीज़ डलती है उसमें भी प्रोटीन होती है और हैवी फैट होती है, और स्विमिंग प्लेयर्स को थोड़ी बहुत फैट तो चाहिए, फैट तो चाहिए, फाइट नहीं फैट, फैट तो मेरा बोलना थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, मैं भूल जाता हूँ नाम खास कर जाए जल्दी। तो फ्रेंड्स बाय, थैंक यू वॉच द वीडियो, वीडियो लंबी है उसके लिए सॉरी, बाय। तो फ्रेंड्स ये है चैनल मेरा स्विमिंग बाय मनी, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये बहुत प्रोटीन भी होती है इसमें अच्छी खासी और ये हेल्दी भी काफ़ी होते हैं। ये टेक्निकल लवली मनी, इसके ऊपर मैं मोबाइल की रिलेटिव वीडियो डालता हूँ, टैक्स से रिलेटिव, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, थैंक यू वॉच द वीडियो।